गाइस वेलकम बैक टू दी व्लॉग। तो गाइस अभी हम अपने कमरे में मौजूद है, ये है हमाद, ये सिकंदर, दोनों पेस गेम खेल रहे हैं। पेस गेम में पागल हो गए। सिकंदर मेरा कौन सा प्लेयर निकल गया? मोबाइल में लगा। हाय गाइस, मैंने खाना खा लिया, मेरा खाना रखे थे ये, इसने खाना क्या खाया, दोनों वाला खा के छोड़ दिया इसने। अभी बनावा पुलाव, मैं तो बोलो मंजन खा लूँ पूरा। मैं मंजन मंजन में है, कितना भी तू खा लेगा, तकरीबन 1 किलो तो होगा। चलो मिलते हैं आपको आगे। अभी हम जा रहे हैं यार अपने इलाके में। आपको पता है बारिश जब भी होता है तो हम अपने खेती बाड़ी में घूमते रहते हैं। अभी बिल्कुल यार ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, उतना सर्दी लग रहा है, खाली पे एक जैकेट है और मुझे भी एक अपर पहना हुआ है। सर्दी बहुत लग रहा है, लेकिन भाई खाली पे कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। असल में बारिश होता है ना तो ना धुआं ना मिट्टी कुछ भी नहीं होता, डस्ट वगैरह नहीं होता, तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है। साफ सुथरा हवा चल रहा होता है और ये हरा हरा भरी ये हमारा खेती बाड़ी है। और अभी भी मेरे ख्याल से बारिश का इम्कान है, क्योंकि सूरज भी देखो थोड़ा बहुत डल रहा है और इधर काला काला बादल है, इधर भी काले काले बादल है, शायद हो जाए। असल में कराची का मौसम का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। अभी गाइस अपने गांव में मौजूद है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और चारों तरफ ताज़ा ताज़ा माहौल है। खालिक भाई मेरे साथ है। अभी गाइस खालिक भाई ने बोला यार एक जगह से बैठने से अच्छा है थोड़ा चलते हैं, घूमते हैं, नज़ारा देखते हैं। नज़ारा मतलब ये कि गिर्द इर्द गिर्द करते हैं। अभी तो और आगे तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि सर्दी बहुत है, हवा बहुत चल रहा है, बहुत बीमार भी हो सकते हैं हम लोग। हाँ यार बहुत, अभी देख सकते हो मेरा अपना अपर बांध लिया, इतना सर्दी है। क्योंकि मेरे को रात को काम पे जाने यार, हाँ यार 4-5 दिन में दुबई जाने इंशाल्लाह। खालिक भाई ने बता दिया, ये तो एक सरप्राइज था लेकिन इन्होंने बता दिया यार 4-5 दिन के बाद नहीं इंशाल्लाह, ये कि एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ता ऐसा समझ लो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खालिक भाई बहुत याद आएंगे यार, उसके बाद फिर दुबई से भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे। हाँ क्लिप वगैरह इंशाल्लाह जब भी फारिग हुए तो क्लिप बनाते रहेंगे यार, इंशाल्लाह। इसमें क्या है। और खालिक भाई अभी आगे तो कीचड़ है, यूँ जाएंगे फिर यूँ घुमाते। चलो ठीक है, फिर देखते हैं। अभी गाइस आगे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है लेकिन हम जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ यहाँ वहाँ से गिर 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 कर जाएंगे। अरे खालिक ये क्या पड़ा हुआ है, ये देखो ये डकैती होता है, सारा सामान निकाल देते हैं और चेचिस यहाँ पे फेंकते हैं। खालिक भाई चेचिस पड़ा हुआ है किसी बाइक का, पता नहीं किसने लाके पड़ा रख दिया यहाँ पर हमारे को, ताकि हमारे गांव को हमारे हाँ हमारे कोर्ट को बदनाम करने के लिए। देखो कितने सारे सामान निकाल के सिर्फ चेचिस यहाँ पे फेंकते हैं, फिल्टर भी लगा हुआ है इसके अंदर। और छोड़ो भाई इससे दूर हो, इतना अच्छा है। और भी एक देखो माशाल्लाह डूबती हुई सूरज, इंशाल्लाह मगरिब होने वाला है अभी। और मौसम तो देख रहे होंगे चारों तरफ बादल ही बादल है, शायद आज रात को गरज चमक के साथ बारिश हो। वो हमारा कॉलेज है, वो हमारा इलाके का जो रोड है ना वो इलाके में जाते हैं वो रहा। अभी ये पालक यहाँ से घूमते जाएंगे, हम तो यहाँ से घूम के जाएंगे। और यहाँ पे मक्के वगैरह लगे हुए सारे दर्द है और अभी पानी लगा है, रहमत की बारिश की पानी लगा है। और हो जो भी जानवर खाएगा मज़ा ही मज़ा आएगा उसको। अरे अरे भाई की चल। हम जहाँ से जा रहे हैं ना ये हमारे इलाके का पीछे का रास्ता है, वहाँ पे पड़ता है जलाल मुराद कोट, जलाल मुराद कोट से। चलो चलते हैं, क्या खालिक भाई बोले वहीं पे चलते हैं। खालिक भाई का कोई बात रद्द नहीं करना चाहिए भाई। हाँ एक और कुआ है पुराना जमाने का, हजारों साल पहले का, वो दिखाऊंगा मैं आपको ये रहा। अभी गाइस ये कुएं तक पहुँच गए, यहाँ पे ये कुएं में क्या क्या पड़े हुए खालिक भाई, और कुरान पड़ा हुआ है, सिपारे पड़े हैं। यहाँ पे जो चीज़ शहीद वगैरह होता है, कुरान शरीफ हो गया, सिपारे वगैरह हो गए, जो आयात हो गए, मतलब जो पाक चीज़ हो ना इस कुएं में हम फेंकते हैं यहाँ पर। जैसे ख़राब आटा हो उसको फेंकना नहीं चाहिए, रिस्क है ना, तो यहीं पे फेंक देते हैं हम। और ये कुआँ पाक है मेरे ख्याल से, इसलिए यहाँ पे फेंका जाता है। खाली क्या क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर यार,
बहुत सारे आया थे कुरान शरीफ है यार। और ये एक इंजन टाइप का है, यहाँ से पहले पानी इस कुएं से पानी आता था, पानी जाता था यहाँ पर। और ये जैसे पहले मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि कितना 100 साल पहले अच्छा मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था ना आपको कि एक वहाँ पे एक इंजन था जो पानी सप्लाई करता था, ये भी उसी तरह का है। लेकिन ये अभी बंद है, वो कुएं में पानी आ रहा नहीं है। तो यहाँ पर खालिक भाई क्या है यहाँ पर? तो टट्टियाँ बड़ी हुई। आ जाओ। अभी गाइस आपने देख लिया ये कुएं में कुरान शरीफ पड़े हुए। अभी मेरा मूड हो रहा था कि जाके यार खालिक भाई जाऊँ? आ जा पक्का जाऊंगा मैं बोल रहा हूँ। नहीं। अभी गाइस इस वक्त हम जलाल मुराद के ग्राउंड में मौजूद हैं, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और बड़ा खूबसूरत ये भी ग्राउंड है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो माशाल्लाह खालिक भाई ग्राउंड माशाल्लाह, इस ग्राउंड में आपने खेला है? हाँ माशाल्लाह। आपके इस ग्राउंड में कितना जरूर टारगेट है स्कोर गोल का? तकरीबन मेरे स्कोर में 55। हाँ 55। आखिरी बार खेला तो 2 गोल दिए थे मैंने। अच्छा लास्ट मैच किसके थे, मतलब किसके सामने मैच था आपका? ये अपना क्या नाम है इसका यार, पीरबज बलोच। आपको मतलब आपके जो मैंने भी एक पहले ब्लॉग में बोला था कि आपका लकब था मेसी जब आप खेलते थे। जी जी। और मैंने भी देखा यार माशाल्लाह आप वैसे ही मेसी की तरह लोगों को ऐसे टिपल लगा के इधर उधर 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 करके जाते हो। हमको भी सिखा ऐसे यार थोड़ा, यार हम भूल गए यार, अभी भूल गए। नहीं लेकिन वापस आ सकते हो इंशाल्लाह अगर जब खेलो तो। अभी खेलना बंद हो गया यार, पहले कैसे होता था बारिश होता था ग्राउंड में आते थे, खेलने के बाद कीचड़ लगाने का इधर उधर ये अब जिम्मेदारी आ गई है किसी के सर के यार। महंगाई इतनी हो गई माशाल्लाह, अभी तो आजकल क्या बोले, अभी इंशाल्लाह आएगा वो वक्त भी आएगा खाली, सिर्फ नवाज शरीफ को आने दो, नवाज शरीफ को आने दो। ये जैसे इंडिया में देहाती लोग होते हैं ना, ये हमारे देहाती लोग हैं, ये चाहे खेती बाड़ियों में वो देखो अपने घर बार के लिए गाय के जानवरों के लिए। एक वो आ रहा है कहाँ से, यहाँ से ना, यहाँ पे सारे अर्रू की नहीं यार, सारे प्लेयर जलाल मुराद के यहाँ पे खेलते हैं। ये बचपन से ऐसे ट्रेन होते तो अपने फील्ड में जाते बड़े होकर। खालिक भाई इनको यार अर्रू की को बोलते हैं यार, अच्छा गधा गाड़ी चलाते। लेकिन यही है जो बचपन से खेलते खेलते बड़े होकर अपने फील्ड में जाते हैं जलाल मुराद। और यार एक बात मुझे भी बहुत बुरा लगा, कमेंट्स में एक ने बताया था कि यार आप नाम सही से नहीं लेते हो, कभी कुच्चर बोलते हो कभी लट्टी बोलते हो, तो मुझे भी बुरा लगा। तो यार माजरत मेरी तरफ से, जब भी इनको बोलूँ तो मेरे इलाके को मतलब लगेगा, शराफी कोर्ट के अंदर ही है ना ये भी, शराफी को अगर इन जिसको भी मतलब मैं कोई सा भी नाम बताऊँ तो मेरा कोर्ट को ही लगेगा, तो हमको ही लगेगा ऐसे समझो। तो माजरत मेरी तरफ से, ये जलाल मुराद कोर्ट है जो इनका जीनियर नाम है जलाल मुराद कोर्ट, और जिस इलाके में भी जाऊंगा इंशाल्लाह तो उसका नाम मैं आपको जीनियर नहीं बताऊंगा, कोई ऐसा वैसे शॉर्टकट नाम नहीं बताऊंगा, और ऐसे नाम लेके हमारा इलाके का ही बदनामी होगा। खालिक भाई क्या बात, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, मुझे खालिक भाई ने भी समझाया और मुझे खुद को समझ आया, सॉरी यार माजरत, इंशाल्लाह ऐसा कोई गलती नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अभी गाइस ये आ गया शराफी मामनन का ग्राउंड, ये था जलाल मुराद का ग्राउंड, ये है शराफी मामनन का ग्राउंड, इतना फासला है बीच में, जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वैसे ही है। और इसके मतलब 1 किलोमीटर दूर कुरंगी बलोच के घरों ने वो देखा होगा आपने, और इसके पीछे भी घर है खालिक भाई, इसके पीछे भी घर है ना, यहाँ जितने क्वार्टर है यहाँ पर भी ये परदेसी लोग रहते हैं। ये ग्राउंड है भाई, ये तो शराफी मामनन का ग्राउंड, और ये अब्बास अकेडमी यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, और जलाल मुराद का अपना सबरा वो उसके पीछे जो खेल रहे होंगे ना लोग, वो गोल रखा होगा, वो है सबरा बलोच का ग्राउंड, ये रास्ता है। और यहाँ पे हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल प्लेयर जुबैर जो पाकिस्तान कॉम्बी टीम में खेलता है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, माशाल्लाह एक हर खेल खेला जाता है।
स्पोर्ट होना चाहिए, स्पोर्ट तो होना चाहिए यार, लाजमी बात है। हम नहीं खेलते, हम पार्क नहीं है, पार्क लोगों का काम है खाली। आपके ख्याल से खेलना चाहिए हर किसी को, थोड़ा टाइम निकालना चाहिए इसके लिए और नमाज के लिए टाइम निकालना चाहिए। गाइस ये शराफी ग्राउंड में यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं और यहाँ पे बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं। यार ये मुझे कब से ढूंढ रहा था यार, मैं गया था ना थोड़ा खेती बाड़ी की तरफ, ये मेरे पीछे आया था, मुझे पता नहीं था, कब से रो रहा है। अभी तैयार शैर होके कि मेरा व्लॉग में मुझे डालो। ये मेरा भांजा भाई, इधर आओ अलीफ बा सुनाओ। अलीफ बा ता और जी और ता और जी इसका सबक इतना है और ये मेरे तो सी है अमात और अमात ये सुस्ती करते रहते हैं, मदर आता सुस्ती करते हैं भैया। आ जाओ सही है, तुम व्लॉग में आ गए सही है। मेरा भांजा है आज तैयार शहर है, जो भी देखे माशाल्लाह बोले इसको। अभी गाइस हम अपने वही बैठक पे बैठे हैं, अभी बहुत सर्दी है, आग चला है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रहा है यहाँ पर, बारिश। मेरे साथ चैना मैसेज अच्छा है ना भैया बिलाल, बर्फबारी हो रहा है। हम आवेश बिलाल का वीडियो बनाते हुए, नबील उदास बैठे हुए, नबील सोच रहे नूरानी जाएंगे नहीं जाएंगे। उधर कौर है, कौर कौर आया, कौर क्या है, कौर बहुत मुश्किल अंडा नहीं, उसमें पानी जाता है, पानी जाता है। तो गाइस आज के लिए हमारा व्लॉग इतना ही, आई होप कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।